इस वीडियो में मैं एक फैन क्वेश्चन का जवाब दूंगी। जेजे पटेल ने कमेंट किया है कि जो इंग्लिश कैप्शंस नीचे आते हैं उन्हें मैं हटा दूं, क्योंकि वीडियो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। अब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, एक मिनट से भी कम में। इस वीडियो में हम कैप्शंस को हटाना तो सीखेंगे ही, मैं आपको ये भी सिखा दूंगी कि कैप्शंस को कस्टमाइज कैसे करते हैं। नमस्ते, हेलो, मेरा नाम एकता है। पर सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कैप्शंस डालने का क्या फायदा है। देखिए, क्या कैसे की वीडियो हिंदी में होते हैं, पर मुझे कई लोगों ने कहा है कि उनको वीडियो तो पसंद है पर हिंदी उन्हें ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए इंग्लिश कैप्शंस उन लोगों के लिए हैं। पर इसकी एक डाउनसाइड भी है, और वो ये कि वीडियो कई बार छुप जाता है, खास करके तब जब डिवाइस की स्क्रीन छोटी हो, जैसे कि मोबाइल फोन। आइए पहले सीख लेते हैं कि YouTube कैप्शंस को स्क्रीन से कैसे हटाते हैं। यहाँ मैं पहले पीसी या कंप्यूटर से कैप्शन हटाना सिखाऊंगी। ये रहा YouTube, मैं इसमें पहले से लॉग्ड इन हूँ। अब यहाँ ऊपर सर्च के बॉक्स में क्या कैसे मैंने टाइप कर दिया और सर्च पर क्लिक किया। अब कोई ऐसा वीडियो खोज लेते हैं जिसमें पहले से कैप्शंस हो, जैसे कि ये सीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सीसी है। जहाँ पर ये सीसी होगा वहाँ पर क्लोज्ड कैप्शंस उपलब्ध होंगे। चलिए अब इनमें से कोई वीडियो हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, मुफ्त वेबसाइट कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये वीडियो जो है चल गया, इसको मैं पॉज कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको नीचे कैप्शंस दिख रही हैं, और ये जो कैप्शंस हैं ये मैंने इस वीडियो में डाली थी। अगर आपको कैप्शंस नहीं देखनी या अगर आपको कैप्शंस ऑफ करनी है तो बहुत ही आसान है, बस ये सेटिंग्स की चक्री पर जाइए, इधर क्लिक किया और अब एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर ये देखिए सबटाइटल्स सीसी है और यहाँ पर इंग्लिश है, इधर क्लिक कर लीजिए, अब एक नया डब्बा खुल गया, आपको बस ऑफ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऑफ पर क्लिक करेंगे ये जो सबटाइटल्स हैं या कैप्शंस हैं ये ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन के बीच में क्लिक करते हैं और अब प्ले करूंगी तो आपको कैप्शंस नहीं दिखेंगे। देखिए कैप्शंस जो हैं वो गायब हो गए। तो इस तरह से आप पीसी से कैप्शंस बस 10 सेकंड से भी कम में हटा सकते हैं। पर अभी जाइएगा मत, अभी आपको बहुत कुछ और भी बताना है। ये तो थी बात पीसी की, लेकिन अगर मोबाइल से कैप्शन हटाना हो तो क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। ये रहा मेरा मोबाइल और ये रही YouTube की ऐप, इसे मैं खोल लेती हूँ और ऊपर सर्च के डब्बे में टाइप कर लेते हैं क्या कैसे। ये क्या कैसे आ गया और ये हमारे सब वीडियोस आ गए। अब कोई और वीडियो यहाँ पर चुन लेती हूँ जिसमें कैप्शंस हैं, जैसे कि ये WhatsApp इनक्रिप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ और ये देखिए इधर आपको कैप्शंस दिख रहे हैं। इसको मैं पॉज कर देती हूँ, ये वीडियो अब पॉज हो गया। तो यहाँ ऊपर जो है आपको तीन बिंदिया या तीन डॉट्स दिख जाएंगे, इधर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर सब सेटिंग्स खुल गई। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैप्शंस का जो डब्बा है, ये जो सी सील जहाँ पर लिखा हुआ है ये हाइलाइटेड है, बाकी सब जो है ग्रे कलर में है और ये वाइट में है और इसके आसपास थोड़ा सा ग्लो भी है। इसका मतलब यहाँ पर कैप्शंस फिलहाल ऑन है। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो बस एक और बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अब एक डब्बा सा खुल गया, वो बोल रहा है टर्न ऑफ कैप्शंस या फिर इंग्लिश। फिलहाल देखिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में कैप्शंस डाली हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में कैप्शंस डालते हैं, सबटाइटल्स डालते हैं, ऐसी स्थिति में आपको वो सब भाषाएं इस डब्बे में दिखेंगी। चलिए हमें तो कैप्शन ऑफ करनी है, हम टर्न ऑफ कैप्शंस पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर दोबारा प्ले के बटन पर मैं क्लिक करूंगी तो अब कैप्शंस जो हैं वो नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो में ये देखिए WhatsApp के
ये कैप्शंस जो हैं ऑफ हो गई। अगर हम दोबारा यहाँ ऊपर क्लिक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये सब के सब आइकन्स अब एक ही कलर के हो गए हैं। अगर आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करके कैप्शंस जो हैं दोबारा आ जाएंगे। इसको पॉज कर दिया। अब देखिए कैप्शंस जो हैं वो दोबारा से आ गए। देखिए अंत में अब हम देख लेते हैं कि कैप्शन को अगर कस्टमाइज करना हो या बदलना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पहले मैं आपको पीसी से कैप्शन कस्टमाइज करना सिखा देती हूँ। तो ये वही वीडियो है जहाँ पर हमने कैप्शन ऑफ किया था। ये देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये डब्बा खुल गया और ये सबटाइटल्स देख सकते हैं आपकी ऑफ है। इधर क्लिक करके हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए इंग्लिश के सबटाइटल्स आ गए। अब अगर आपको इसे कस्टमाइज करना है, बदलना है, तो आपको दोबारा से इधर क्लिक करना होगा और ऊपर सबटाइटल्स ऑब्लिक सीसी के साथ में है ऑप्शंस, तो ऑप्शंस पर क्लिक कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे मैं यहाँ पर बदलाव करती हूँ ये कैप्शंस जो हैं ये बदल जाएंगे। इनके रंग, इनके फॉन्ट, जो बैकग्राउंड कलर हैं वो सब के सब कस्टमाइजेबल हैं, बदले जा सकते हैं। चलिए पहले है फॉन्ट फैमिली, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिलहाल ये वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। आप चाहें तो आप इसे बदल सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो वाला फॉन्ट चुन लीजिए। तो मैं जो है कैजुअल चुन लेती हूँ। अब फॉन्ट फैमिली से बाहर आए। अब फॉन्ट कलर फिलहाल ग्रीन है, आप इसे बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाइट, येलो और भी अलग अलग रंग हैं, आपको जो रंग पसंद हो आप वो वाला रंग चुन लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पर पीला रंग या येलो चुनने वाली हूँ। फिर यहाँ फॉन्ट कलर से बाहर आए, ये है फॉन्ट साइज, इधर गए। देखिए सामान्य रूप से नॉर्मली जो है 100% का सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या जैसे उम्र के साथ अक्सर लोगों को छोटे अक्षर दिखते नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपने फॉन्ट का साइज वो बड़ा कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से ये अक्षर दिखाई दें और जिससे कि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें। लेकिन अगर आपको बड़ा साइज नहीं पसंद या आपको बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता है तो आप उसे छोटा भी कर सकते हैं। ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, व्यक्तिगत आपका जो है डिसीजन है। फिर आए बैकग्राउंड कलर पर। यहाँ पर फिलहाल ये जो फॉन्ट के पीछे का रंग है ये काला है, ब्लैक है। आप इसे चेंज करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है और आपको जो पसंद हो वो आप चुन लीजिए। अब ये येलो ऑन येलो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ये तो ठीक से दिखाई ही नहीं देता, इसलिए आप ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वाला चुनिए। अगर आपके फॉन्ट का कलर और उसका बैकग्राउंड का कलर एकदम सेम सेम होगा तो रीडेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। चलिए हम ब्लैक ही रहने देने वाले हैं। और बैकग्राउंड कलर से बाहर आए। फिर आए बैकग्राउंड की ओपेसिटी, यानी कि ये जो पीछे का जो रंग है वो कितना गाढ़ा हो, कितना डार्क हो। अगर आप 100% करेंगे तो पीछे की स्क्रीन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, लेकिन वीडियोस में देखिए अक्सर क्या होता है कि जो पीछे की चीज़ है वो हम देखे रहना चाहते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि आप उसे 50% ट्रांसपेरेंट या ऐसे हल्का सा ओपेक रखें, पूरा का पूरा आप उसे ओपेक ना रखें। फिर वापस गए बैकग्राउंड ओपेसिटी से बाहर आए। और ये है विंडो का कलर, आप चाहें तो आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं या मैं इसे ब्लैक करने वाली हूँ। वापस आए और ये है कैरेक्टर एज स्टाइल, यानी कि जो आपका फॉन्ट है उसके आसपास कैसी शैडो होनी चाहिए। ये है रेज्ड, यह है डिप्रेस्ड और यह है आउटलाइन। मुझे तो आउटलाइन ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब हम बाहर आ जाते हैं और ये देखिए फॉन्ट की जो ओपेसिटी है वो भी आप चुन सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 100% ही रखें, क्योंकि अगर आप इसे हल्का रखते हैं तो रीडेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हम इसे 100% ही रखने वाले हैं। और अब
वापस आए। ये देखिए, ये सारी की सारी ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दी और अब जो हमारा फॉन्ट है वो इस तरह से आ गया और बैकग्राउंड भी हमने चेंज कर लिया। तो आप इस कैप्शन को, सबटाइटल को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ऑप्शंस मोबाइल पर अवेलेबल हैं? आइए देख लेते हैं। ये रहा वही वीडियो, यहाँ ऊपर हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए कैप्शंस पर जो है सिर्फ ऑन या ऑफ और लैंग्वेज की ऑप्शन है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मोबाइल से फिलहाल आप YouTube की ऐप पर कैप्शंस जो हैं वो कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने PC में ये चेंज किया भी तो भी वो वाला चेंज यहाँ पर नहीं दिखता। फिलहाल जो मोबाइल की ऐप है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में YouTube ये चेंजेस अपनी मोबाइल की ऐप में भी ले आए। तो बहुत ही आसान है, कुछ ही मिनट्स में आप अपने फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, खास करके तब जब आप उसे PC से देख रहे हैं। YouTube क्रिएटर्स या चैनल चलाने वालों के लिए क्या कैसे पर एक वीडियो प्लेलिस्ट है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस खास उन लोगों के लिए डाले हैं जो कि अपना खुद का चैनल चलाते हैं। अगर आप PC से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस और जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।